हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मुहर्रम का 10 तारीख है, मतलब मुहर्रम का पहला अरसा। हर महीना का अरसा होता है, 20 दिन का महीना होता है, तो 10 तारीख तक जो एक अरसा होता है, 20 तारीख तक दो अरसा और 30 तारीख तक तीन अरसा। तो मुहर्रम का आज पहला अरसा है और मुहर्रम का पहला अरसा का लास्ट दिन है, मतलब आज पहलाम का दिन। तो आज मैं ब्लॉग शूट करूंगा और आपको दिखाऊंगा जो जो चीज होगा। और अभी सुबह के हो गए हैं 6:44, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा है भाई मोहल्ला में। और ये देखो हमारा इस्लामिक अलम, तो ये कुछ इस प्रकार का है, लगभग दोनों 40-42 पोर का है। और आज हमें लंगर की भी तैयारी करनी है। सबसे पहले एक काम करते हैं, वो देखो लाइट जल रही है वहाँ पे हाइलोजन वो, और ये इसको बुताते हैं। तो इसका कनेक्शन है ट्रांसफार्मर से, ट्रांसफार्मर पे चलते हैं। ये काफ़ी रिस्की होता है, हर बार करने में आदत हो गई है। इसको यहाँ से छुड़ा देते हैं और ये यहाँ से अर्थिंग छुड़ा देते हैं, निकल गया वायर। तो लंगर के लिए हम कल काफ़ी सामान जुगाड़ कर लिए थे, जैसे मसाला हो गया, चावल हो गया, और गोश्त के लिए, चिकन के लिए ही बात कर लिए थे। तो चिकन अभी लेने चलना है और सिलेंडर का जुगाड़ करना है। सिलेंडर मिल जाए और चिकन मिल जाए, फिर हमारे मोहल्ला के ही हैं जो बनाते हैं, तो आके बना देंगे फिर। तो ये देखो हमारा ये चौक है ना, ऊपर में पूरा ये निकल गया है, हम लोग सजाए थे और इसका कलर भी उड़ गया है। यहाँ पे हमारा दोनों इस्लामिक अलम काफी खूबसूरत दिख रहा है, बादल के साथ कॉम्बिनेशन इसका अच्छा लग रहा है। ये कलर ज्यादा प्यारा है और हरा कलर तो ऐसे ही बहुत प्यारा है भाई। तो सब भाई गहरे नींद में सोए हैं, कोई फोन ही नहीं उठा रहा है देखो। तो हर बार का ये परेशानी है भाई, सबको उठाना पड़ता है जा जाके। तो अभी सुबह सुबह मुखारी करते हुए, क्योंकि रोजा में ब्रश नहीं कर सकते हैं, तो आज मैं रोजा से हूँ और मुहर्रम के दिन रोजा रखा जाता है, तो रोजा में मुखारी यूज करते हैं। इस ब्लॉग के माध्यम से मैं आपको ये चीज बताना चाहता हूँ, मुहर्रम में चार चीज वैसे काफी इम्पोर्टेंट है, जैसे एक रोजा रखना, कुरान का तिलावत करना, और दूसरा लंगर और नियाज करवाना, और गरीबों में तकसीम करना उसको। मतलब ऐसा नहीं कि जो मतलब खा रहे हैं उनको खिलाएं, मतलब जो उस चीज से दूर हैं अगर उनको खिलाएंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा। और गरीब का किसी भी तरीका से हेल्प करना, ये काफी ज्यादा सवाब का काम है। तो ये आप लोग करें, और ऐसा ना करें कि डीजे बजा रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस ब्लॉग के माध्यम से मैं भी आपको जानकारी देना चाह रहा हूँ। तो अभी हम चलते हैं कंपनी बाजार। कंपनी बाजार से कुछ साग सब्जी लेके आना है, साग सब्जी मतलब लहसुन, प्याज, अदरक, ये सब जो अपना लंगर के लिए यूज होगा। चलो, तो अभी हमारा प्लान में कुछ चेंज है, हम लोग कंपनी बाजार से पहले जा रहे हैं कुछ बर्तन लेने जो टेंट में यूज होगा अपने मतलब लंगर बनाने में, तो उसको चलते हैं लेने पहले। तो ये तालाब के बगल से हम लोग गुजर रहे हैं अभी, और मस्त मस्त यहाँ पे इस्लामिक झंडा है, और सामने में जो चौक है वो काफी खूबसूरत सजाते हैं, आपको आगे दिखा। अरे भाई, यहाँ तो काफी सारे इस्लामिक झंडा है और इतने बड़े बड़े हैं, रस्सी से बांध के रखे हैं। बताओ ऐसा मतलब क्या करना भाई, इतना बड़ा रखते क्यों है इन लोग कि रस्सी से बांध के रखना पड़े। ये हमारे सामने है काफी खूबसूरत चौक, जो हर बार इसी तरह से सजाते हैं इन लोग। तो बर्तन वगैरह सब ले आए हैं, अब चलते हैं कंपनी बाजार। तो अभी निकल चुके हैं कंपनी बाजार के लिए, चलो प्याज, लहसुन, अदरक और कुछ कुछ लेते हैं और वापस आते हैं। तो उससे पहले पहुंच गए पेट्रोल पंप, हमारी स्कूटी को लगी है भूख, इसको खाना खिलाते हैं पहले। कंपनी बाजार, तो कंपनी बाजार से आते ही मैं देख रहा हूँ जोर शोर से तैयारी चल रही है यहाँ। यहाँ भी चिकन फ्राई हो रहा है, तो तब तक चलते हैं, मैं नहा के आता हूँ घर से। मस्त नहा धोवा के रेडी हो चुके हैं, अब चलते हैं बाहर जहाँ खिचड़ा बन रहा है ना लंगर,
वहाँ चलते हैं और देखते हैं काम कहाँ तक पहुँचा। बनने में लगभग एक से डेढ़ घंटा टाइम है। बैठ के आप प्रोसेस देखते हैं, प्रोसेस कंप्लीट करवाते हैं और एक से डेढ़ घंटा फाइनल बन रहे हैं। तो अभी लंगर हम लोग का तैयार हो चुका है। हम लोग दो गंज लंगर बनाए हैं, एक गंज सामने ये पार्सल पैक करने के लिए बनाए हैं, घर घर में जो पार्सल देंगे हम लोग, और कुछ इस तरह से पार्सल हम लोग पैक करेंगे। तो अभी पार्सल पैक हो रहा है और बाकी को बांटेंगे। तो आज भांजा आ चुका है हमारे घर में, काफी खिलखिलाती हुई हंसी लेके मोबाइल के फ्लैश लाइट को देखने के लिए आ रहा है बार बार। ये अभी आरिस का कुछ शरारत देखो आप लोग। देखो अभी इधर आ गया तो फ्लैश लाइट को पकड़ने के लिए आएगा बार बार, और काफी हैप्पी है ये अभी। और आगे देखो कैसे अपने नानू के साथ खेलता है आरिस, और इस ब्लॉग में काफी एंजॉय किया है ये। मैं भी तो ऐसे वॉइस ओवर कर रहा हूँ, और आप लोग देखो आगे, ये देखो ये देखो ये देखो।
इस बार मुहर्रम में हुआ कुछ यूं कि जैसे रैली निकलने वाली थी वैसे पहले उससे पहले काफी तेज बारिश हुई और जितना भी इस्लामिक झंडा था वो सब भीग गया और भीगने के बाद रैली निकली, जुलूस निकला। जुलूस में काफी सारे अपने इस्लामिक झंडे भी निकले और काफी लोग बड़े बड़े झंडे रखते हैं, इसकी वजह से बड़े झंडे तार पे ना गिर जाए और तार पे गिरने के बाद किसी को करंट ना लगे। इसकी वजह से जहाँ जुलूस पहुँचता था, जहाँ रैली पहुँचता था, वहाँ लाइट काट दिया जाता था और जहाँ रैली वहाँ से निकल जाती थी तो उसके बाद वहाँ लाइट दे दिया जाता था। ये अपने ही सेफ्टी पर्पस के लिए था, लेकिन इससे बहुत लोग नाराज हुए और गवर्नमेंट के हिसाब से सही भी किया क्योंकि बारिश बहुत तेज हुआ था और सारे इस्लामिक झंडा भीग गए थे। और बाकी आप लोग आगे नज़ारा देखो क्या क्या हुआ।
हैं।